हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे, यहाँ पे देखिए दो हेडलाइट रखा हुआ, हेडलाइट बल्ब, और ये उसका दो कपलर हो गया, दो कनेक्टर उसका जैक, और यहाँ पे डुअल हेडलैम्प रिले है, यहाँ पे डबल स्लॉट का स्विच है, और यहाँ पे दो बैटरी लगा हुआ है। तो ये 24 वोल्ट का रिले है, इसीलिए मैंने दो बैटरी लगाया है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ का कनेक्शन अभी करेंगे, ये स्विच कैसे काम करता है, ये रिले कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है, ये सारा कुछ अभी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, बोर्ड पे भी बहुत कुछ दिखाया जाता है और उसके बाद से प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये डुअल हेड लैम्प रिले है, और इस पर एक मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है और इस पर भी मेरा एक वीडियो अपलोड है अलग अलग। अभी मैं दोनों का एक कनेक्शन करके हेडलाइट जला करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये इसके पिन नंबर के हिसाब से, इसमें दो रिले है इसके अंदर। अब इसको खोलिएगा तो दो रिले दो कॉयल आपको मिलेगा, तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है S1 और S2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है S1 S2, यानी ये जो दो वायर है, ये दो वायर है, ये S1 S2 है, यानी स्विच से ये आएगा, एक नंबर स्विच 1 और दूसरा स्विच 2, कॉम्बिनेशन स्विच से करेंट आता है हेडलाइट के लिए। और यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ देखिए ये L1 और ये L2, देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है L1 L2, तो ये दोनों वायर हो गया L1 L2, यानी ये लाइट 1 और लाइट 2, यानी एक हाई बीम और एक लो बीम। और ये देखिए T1 और T2, ऊपर T1 है, नीचे T2 है, यानी इसमें एक में पॉजिटिव रहेगा और एक में ग्राउंड रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ अभी इसका कनेक्शन करेंगे। और देखिए ये जो स्विच है ये कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। अगर आपको इस पर पूरा वीडियो देखना है, प्रैक्टिकल वीडियो, तो ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डबल स्लॉट का है, तो पहला स्लॉट ऑन करने पे क्या होता है, देखिए इसमें अगर हम पॉजिटिव देते हैं तो पहला स्लॉट ऑन करने पे ए और आर, देखिए यहाँ पे पिन नंबर लिखा हुआ है ए और आर में करंट आएगा पहला स्लॉट ऑन करने पे। और दूसरा जब खींचिएगा तो ये स्विच क्या करेगा, ए को छोड़ करके आर और एच को पकड़ लेगा, देखिए वो पिन नंबर एच है। तो ये इसका बहुत सारा काम में आता है, जैसे हाजर्ड स्विच, हेडलाइट के लिए, बहुत कुछ के लिए इसको काम में लाया जाता है। तो फिर इसी को हम आज यहाँ पे हेडलाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे और पूरा एक कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बैटरी का ये एक निगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है, और यहाँ पे मैंने निगेटिव में एक ब्लू कलर का वायर लगाया हूँ और इसमें रेड कलर का वायर। तो सबसे पहले हम इस स्विच को एक पॉजिटिव दे देते हैं, तो ये है हमारा पॉजिटिव वायर और इससे हम एक कनेक्शन दे देते हैं स्विच में। ये हो गया, ठीक है, ये स्विच को पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। अब ये हमको पॉजिटिव और यहाँ पे रिले में एक देना है, तो रिले में देखिए ये है T1, तो T1 में हम पॉजिटिव दे दे रहे हैं, तो रिले को मिल गया पॉजिटिव और स्विच को, ये हो गया इसका पॉजिटिव वायर, ठीक है। अब हमको कहीं पॉजिटिव देना नहीं है, अब जो देगा स्विच देगा, और जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड को दे देना होगा यहाँ पे एक स्विच में, देखिए यहाँ पे T2 में, देखिए ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये है T2, तो इसको यहाँ पे दे दे रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा ग्राउंड, और इसी ग्राउंड से एक हेडलाइट बल्ब में, दोनों बल्ब में, ये देखिए ये हो गया हेडलाइट का जैक, और यहाँ भी ये ब्लैक कलर का जो वायर है ग्राउंड का, इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हेडलाइट है, हेडलाइट में ये नीचे वाला जो फिलामेंट दिख रहा है ये है हाई बीम, और जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है वो है लो बीम, ठीक है। तो ये नीचे वाला हाई बीम है, ऊपर वाला लो बीम, जिस पे कैप लगा हुआ है वो होगा लो बीम। तो अभी इसका कनेक्शन हो गया, बैटरी का जो कनेक्शन होना था, अब स्विच से जो कनेक्शन किया जाएगा वो बाकी है। तो देखिए ये हो गया L1 और ये हो गया L2, ये दोनों वायर L1 L2 है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो रेड है और येलो है ये है S1 S2, यानी स्विच 1 स्विच 2, तो हमें देना है स्विच 1, देखिए स्विच 1 हम दे दे रहे हैं। ये पहला स्लॉट का जो है ये R, तो R में इसको हम कनेक्शन कर देते हैं, देखिए ये हो गया R का कनेक्शन स्विच 1,
और ये स्विच टू हमें एच में देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया, स्विच का कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे अब हमें लाइट का कनेक्शन करना है। तो देखिए ये है L2 और ये है L1, तो ये दोनों लाइट का है। तो हम L1 को लो बीम से कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो इसके लिए देखिए ये एक वायर लगा रहे हैं, और यहाँ पे लो बीम जो है वो येलो कलर का जो वायर है ये लो बीम का है। तो ये तीनों वायर यहाँ से दे दिए, और ये जो रेड कलर का वायर है ना, यहाँ जो लो बीम है इसमें दे दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। ये दोनों लाइट का, देखिए लाइट का कनेक्शन हम यहाँ पे, ये देखिए दोनों लाइट का कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये जो है ये हाई बीम का है, ये L2, तो L2 का कनेक्शन ये जो ब्लू कलर का वायर है यहाँ से कर दे रहे हैं ये। और इसके लिए उधर ले जाने के लिए करंट, यहाँ से एक छोटा सा वायर हम जोड़ लेते हैं, ये यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का जो वायर है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी सारा कनेक्शन हो चुका है, और हम अभी स्विच को ऑन ऑफ करेंगे और देखा जाएगा कि हमारा हेडलाइट का दोनों हाई बीम और लो बीम जल रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं एक स्लॉट ऑन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक बार ऑन किए और ये लो बीम है। ठीक है, दोनों लाइट में लो बीम अभी ऑन हुआ है, और देखिए ये जो हम जैसे ही इसको ऑन किए हैं तो यहाँ से करंट निकला है, और यहाँ पे S1 में जैसे ही करंट गया ये जो कॉयल है इसके अंदर वो काम किया, और इस जो वायर है ना ये पीला कलर का, ये देखिए ये L1 इसमें करंट दिया हमारा रिले, और दोनों लाइट जो है वो ऑन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये पहला स्लॉट है, ये देखिए दूसरा जैसे ही ऑन किए क्या हुआ, यहाँ से करंट आया, ये पीला वाला जो वायर है इसमें करंट आया, और रिले में जैसे ही करंट आया S2 में, तो S2 क्या किया, करंट आने से ये जो इसके पास पॉजिटिव है T1 में वो L2 में दे दिया। L2 में जैसे ही करंट आया तो ये L2 है, ये दोनों हाई बीम ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा इसका कनेक्शन होता है, ये डबल स्लॉट का स्विच है, और ये डुअल हेडलैम्प रिले है, और दो लाइट है। ठीक है, इसका एकदम ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल इसका वायरिंग है। तो फ्रेंड्स अगर सिस्टम समझ में आ गया है, अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को देखकर, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा ऐसा हमेशा हम नया वीडियो अपलोड करते रहते हैं हर चीज़ पे, जितना ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी के जितना इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है सब चीज़ पे मेरा वीडियो आता है, बोर्ड पे भी आएगा, और उसका प्रैक्टिकल भी हम करके दिखाते हैं।